जिथे सतगुरु जी होंदे ने इथे एक चीज होंदी है जिहड़ी इन्ने इन्ने दायरे च केड़ी चीज भाई गुरदास जी कहिंदे साध संगत स्थान जगमग नूर है इथे एक प्रकाश पैंदा पर एक चीज माफ करना नहीं दिखती मैं की कर सकदा उस जिन्हों का तीजा नेत्र खुल्या उन्हां नूं पता भी गुरु ग्रंथ साहिब चों प्रकाश निकल के पैंदा कदे कदे तुसीं मैनूं पता अजकल सारे अपने कन्न नूं ईयरफोन ला के नितनेम ला के बैठे कोई फोन तो ही पाठ कर रहा है वह कदे कदे पोथी भी प्रकाश कर लिया जिहड़ा पोथी तो पाठ करन दा असर है ना क्योंकि पोथी विच प्रकाश है प्रकाश साढ़े चेहरे ते भी पैंदा बड़ा कुछ ठीक हुंदा नाल मस्तक ते भी पैंदा साढ़े कई लेख बदलदा गुरु ग्रंथ साहिब दे अखर दे दर्शन करन वाले लेख बदलदे है इन्हां चीजां दी संगत हमेशा विचार करो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे दर्शन करने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दर्शन करन दे नाल ही फल मिलदा कि आपां आके इत्थे सारे बैठे हैं इह दायरे दे विच अपने उत्ते प्रकाश पैंदा किरपा हुंदी है वह बंदा गलत सी हौली हौली आउंदा जिवें आस्ट्रेलिया च एक बीबी सी मलेशिया दे जमपल सीगे उहनूं बड़ा रोक भी तूं मीट ना खाया करो कहिंदी जम्मे मीट च साढ़े मां बाप भी साढ़े दादे पड़दादे भी असीं तां इहदे बिना रोटी नहीं खा सकते साडा मन ही नहीं मुड़ सकदा इधरों असीं कहा चल ठीक है उत्थे भी सिंह सीगा इक हुण चढ़ाई कर गया वह कहिंदे तूं बीबी इदां कर अपना काम भी करी जा सानूं सवेर दा टाइम दे दे तू अपना शाम नूं जो करना करी जा तू सवेरे मूल मंत्र दीआं पंज माला करिआ असीं तैनूं कहिंदे च सवा लख पाठ कर ला मूल मंत्र जदों दा 70,000 दे नेड़े मूल मंत्र होया ना आके कहिंदी हुण मेरा मन करदा नहीं है बाणी ने उहदे मन नूं ही चेंज करता बाणी साडे मन नूं माड़े पासे तो अपने आप ही प्रेरणा दे के हटा ली वाशनावां दा पतला पै जाणा इहनूं कहिंदे तनु मानसा अंश सकत मोह अते हंकार दा घट जाणा संगत विच आके जिहड़ा असीं बहुता मोह जिहा करदे आं परिवारां दा होर दा फिर जो सुणदे आं ते कलगी धर महाराज दा चार साहिबजादे कुरबान करते 22 शहीदियां उहनां दे परिवार चों होईआं मना तूं कहदा मोह करदा परिवार दा हंकार कहिंदा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे ऊंट समझदा सी मैं बड़ा उच्चा बड़ा पहाड़ दे नेड़े आके देखे तां ठां भी इह ते बहुत उच्चा संगत विच आके पता लगदा घरे बैठा ही दो जपजी साहब पढ़ के आकड़िया बैठा सी उह 10 रुपये दान करके आकड़िया इत्थे जद आया ती वी हरिमंदर साहब गया भी उह सोने दी पालकी एक बंदे ने चढ़ाई है 3,00,000 रुपया एक बंदे ने महाराजा रणजीत सिंह ने आह कुछ चढ़ाया भी भाई असीं तां इन्ना कर ही नहीं सकते हैं कल मैं इतिहास पढ़ रहा सीगा एक मंदिर का इतिहास पढ़ रहा वह मंदिर वालों तो सोहना ना लग सकिया वह मंदिर नूं कहिंदे महाराजा रणजीत सिंह जी गए उत्थे उन्होंने जाके कहा भी कोई गल नहीं धार्मिक स्थान असीं सोना लवाने इत्थे तहल करवाई दास रणजीत सिंह पासों दरबार साहब दे अगे वह देखो मूहरे जदों पेंटर करदे उत्थे लिखिया होया है इस करके संगत विच आके ये जिहड़ा अंश सकत है ये मिट जांदा मोह घट जांदा है पदार्थां दा लै वी एक बंदा आया वह गुरुद्वारे चाबी रख गया गड्डी दी असीं एवें गड्डी नाल मोह करदे इत्थे आके संगत विच ये चीजां पता लगदियां वी हंकार नहीं करना सतगुरु फिर पंक्ति भी सुनी जाओ तो प्रेम खेलण का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर त्रीजा सिर दीजा कान ना कीजा सिर दे के भी हंकार नहीं करना है जे सिर दे के भी हंकार कर लिया तां भी बेअर्थी चले जाना उन्हें संगत विच बैठो साधुआं दी महात्मा दी कई बार आपां सुणदे साधु अखर आया नहीं ते आपां कहने भगवे जे कपड़े वाले साधु नहीं कपड़िया का किसी का नौ नहीं साधु ये तो एक ठीक है सानू बाणी बाणा बख्शे मन अंदरली अवस्था का नौ ही साधु साध वही जग जानिया जाकर नहीं उपाध मन साधु किनू कहिंदे ने जिहड़ा स्वादां तो परे हो गए एक भलवान भी साध हुंदा उहने आत्मा तो नहीं साधी शरीर साध लिया आत्मा नहीं साधी हर बंदा अपने जेड़े भी किते दे विच साधना करदा कोई भी साधना करदा है मैं देखे ने जेड़े बच्चे
पीएमटी करते दूजे तीजे मैं देखे सारी सारी रात पढ़ी जाते सारी सारी रात मैं क्या देखो बंदगी पढ़ाई पप्पा पढ़ाई पब्बा भगती कोई चीज है बई मैं मेहनत तो बड़ी कर दे पर यह नहीं मैं कह सकता भी सचखंड में जाऊगा क्यों जे बाद च किडनियां बेचण लग गया फिर की कहना जे गलत काम करन लग गया एक डॉक्टर होके फिर तो की कहना जीवन का सुधार होना होर अलग गल हुंदी है एक करैक्टर उच्चा रखना यह एक साधु का ही काम है करैक्टर उच्चा नहीं हो सकता साडा बंदा किन्ना ही पढ़िया लिखिया किन्ने बंदे ने किन्नियां मंत्रियां दी गल्लां सुणदे आ आपां किन्नियां ने पढ़िया लिखिया ने अजकल गल्लां सुणदे आ ओह डिग पिया रोज ही आउंदा ओह डिग पिया पुट्ठा होके ओह डिग्गिया भी पुट्ठा होके यह गल अलग है शरीर करके विद्या पढ़ी बुद्धि करके विद्या पढ़ी पर मन बाणी शरीर करके जत सच कायम रहना बाबा दीप सिंह ने कहा चंबे वाले राजे दी दोती इन्नी सुंदर सी ना जो 30,000 लड़की छड़ा के लियांदी है सारे सिंह कहंदे बाबा दीप सिंह नूं बाबा जी चलो महाराज की कृपा पर आ जिहड़ी लड़की है इहनूं तुसीं घर पहुंचा के आओ तुसी ब्रह्म ज्ञानी हो तुसी महापुरख हो कलगी धर दी थोड़े ते बख्शिश है तां भी बाबा जी ने कहा नहीं खालसा जी पंजां दा पहरा नाल रखांगा पंज सिंह मेरे नाल तोरो बीबी जाऊगी पालकी च तहार नाल गे जान नाल जाणगे पंज सिंह मेरे नाल जाणगे एवें नहीं मैं जांदा ओह हुंदे मन बाणी शरीर करके जती सती गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे एक महात्मा का जीवन हुंदा है उच्च कोटी का जीवन जिदे ते फिर महाराज जी खुश हुंदे ने आ वे सिंह मेरा आ मेरे प्यारिया धन तेरा जीवन ते जीवन उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह प्रसन्न होके ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शिश कर दे भाई भाई विधि चंद नूं दात बख्शिश की नाम की कहिंदे वाहिगुरु मंत्र बख्शिया तैनूं इस करके ही अवस्था है संगत विच आके ही मन दीयां वासनावां पतलियां पै जांदियां पतलियां क्यों पै जांदियां जदों सुणदे आ के भी काम माड़ा है क्रोध माड़ा है लोभ माड़ा है हंकार दा कोई फायदा नहीं पहला यह प्रबल सी संगत विच आके घटदे 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 घटन लग पए मोह ते हंकार घटिया फिर सतवा पत आ जांदा है सतवा पत एक अवस्था सतवा पद की है पहला उहदी उदाहरण संसारी दिंदे शरीर की तुसीं सुते पए हो ऊग सुते हो तुहानूं पता ही नहीं कित्थे पए जदों उठदे भाव फुरदे ने आपां नूं मैं कित्थे पिया इत्थे उत्ते की आ आओ की आ सारा कुछ जिवें एक्टिव हो जांदा एक्टिव हो गए सतवा पद इसे तरह ही जदों साडा सुत्ता होया मन जागृत हुंदा ना उदों भी फिर 42 भाव फुरदे ने पहला तो शरीर करके आप उठे सुते फिर आत्मक तौर पर जो सुते उठते हैं मेरा मन आलसिया उगलाना जाग रे मन जागन हारे बिन हर अवरना आपस कामा झूठा मोह मिथ्या पा सारे ये ओ जागृत अवस्था है जो मैं जागया सुते पे नूं जाग आ गई भी मैं ओहो मैं तो गलत पासे तुरे जाना मैं गलत पासे तुरे क्यों अज दे समय में तुसी सारे पतवंते बैठे हो सब कुछ सब तुहाडे कोल बहुत कुछ कदे विचारो गुरमुखो कदे विचारो ये सच्चाई बाणी कहिंदी है कि जदों तुसी संसार चो जाओगे फिर की लैके जाओगे शरीर भी छड जाना संस्कार हो जाना जो कमाया सी बहु प्रपंच कर पर धन लिया वै सुतदारा पै आन लुटावै वह भी इत्थे छड गए कोई चीज नाल लेके जानी है नहीं लेके जानी हर एक कई बार मैं लोगों को झगड़ते देखता कि मैं कहना किन्ने अज्ञानी बंदे हैं अज्ञानी झगड़ा करी जाते हैं किसी भी गल तो खाम खाई इस गल के उत्ते आप विचार करिए भी आप कर की रहे हैं जो जाना फिर लेके नहीं जाना कुछ फिर वो बच्चों के पले पै जाना अगे उन्होंने सारा पैसा तुहाडा कमाया उड़ा देना है जिस पैसे लई तुसीं इन्ना जतन किया इन्ना झूठ बोलिया इन्नियां मिलावटां कीतियां इन्ना जफर जाल के बड़ा पैसा इकट्ठा की कर लिया कुछ भी नहीं किया
ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਇਲਾਕੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੀ ਮਾਣ ਵਿਜਾਈ ਮਿਲੇ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਤਵਾ ਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬਤਾਲੀ ਭਾਵ ਫੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਾਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਦਾਰਥ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਸ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਬਈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਪੈਸੇ ਗੁੰਮ ਗਏ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ